हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदन राज ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज देखने वाले एक गांव का ब्लॉग जो कि नेचर से संबंधित या मेरा गांव कैसा है आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, सुबह के बज रहे हैं 8:52 जो कि अभी ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। चलिए दिखते हैं गाँव जो कि हमारा कैसा दिखता है। तो गाइज, यह जखनिया स्टेशन से सादात स्टेशन तक का मैप लिया गया है जो कुदला दिखा रहा है या मेरा गांव है, जो कि देखिए ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और आउटसाइड से यह रोड है जो राइस मिल के बाजू से आया है रोड, यह घूम के मेरे गांव में गया है। और आगे देखिए ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है मेरा गाँव, वेजिटेबल फार्म हाउस है यहाँ पर। और देखिए ये बाइक वाला लोकेशन मेरा दिखा रहा है जो आउटसाइड से रोड गया है, यह जखनिया सादात टू मार्क वाला है। यहाँ से हमारे गांव में एंट्री हो रही है। अनूप का मड़ई है जो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आउटसाइड होते हुए गांव में जा रहा है या आउटसाइड घर है। और देखिए कैसे कैसे जा रहा है रोड। ये पूरा लोकेशन मेरे गांव का है जो कि ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बीच से रोड है जो कि मेन रोड होता है गाँव में जाने के लिए। यहाँ पर डी बाबा हैं, अंदर आए यहाँ पर पूजा पाठ होता है। और गाइस, यह बड़का बाबू का घर है जिसके छत के ऊपर से दिखाएंगे मेरा गांव कैसा है और पूरा गांव का एरिया। चलिए चलते हैं। तो गाइस, सीढ़ियों से जा रहा हूं मैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि थर्ड फ्लोर पे जाएंगे हम लोग और दिखाएंगे गांव का थोड़ा नज़ारा। तो गाइस, यह सेकेंड फ्लोर पे जो हम लोग जाने वाले हैं, अभी बस पहुंचने ही वाले हैं छत पे। ये है थर्ड फ्लोर पे, इस पे टॉप पे चढ़ के दिखाएंगे अपना गांव का व्यू। ये हाइट एरिया है जिसकी वजह से दिखेगा। तो गाइस, गांव में टोटल इतना एरिया है गांव का जो लास्ट तक ऐसा दिख रहा है आप लोग। और वहाँ तक लास्ट एरिया है जो घर दिख रहा है। और यहाँ से ऐसे ऐसे गांव फैला हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, बस इतना ही घर है। एक बार नज़ारा देख लीजिए पूरा गांव का, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। गांव की रहन सहन एक प्राकृतिक नेचुरल है जो कि आप लोग देख सकते हैं, भाषा देसी है जो कि भोजपुरी बोलते हैं। तो गाइस, यह गांव तो आप लोगों ने देखा, यह खेती एरिया है जहां पे खेती किया जाता है। वहां पे पौंड है, तालाब है जो कि वहां से सिंचाई करते हैं लोग, मछलियां पकड़ते हैं। और लास्ट यही तक व्यू था हमारा, सभी लोग खेती पर आधारित हैं। थर्ड फ्लोर का टॉप व्यू है जहाँ से ऐसा कुछ गाँव दिखता है जो आप लोग देख सकते हैं। और यहीं तक है हमारा गांव, ऐसा है नेचुरल प्रकृति बना रहे। और काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है गांव के घरों में, अब तो पक्के बन चुके हैं क्योंकि पहले के सीजन में मिट्टी का होता था या फिर मड़ई वगैरह होता था, अब तो सभी के घर छत जैसे दिख रहे हैं। यह गांव का नेचर है जो कि प्राकृतिक फूल हैं जो कि देखिए आगे कैसा कैसा है। और भी हैं आगे, देखिए यह है अड़हुल का फूल जो कुछ ऐसा बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यह लहराते धान के खेत जो कि कुछ दिनों में कटने वाले हैं, पक चुके हैं थोड़े थोड़े, जितने पकने में टाइम लगे। और पूरा एरिया देखिए ऐसा दिख रहा है ऊपर से। गांव के घरों में आर्थिक स्रोत नहीं हो पाता है तो लोग बकरियां पालन, भेड़ पालन, गाय पालन और भैंस पालन करते हैं जो कि उनका खर्चा चल जाता है। और भी अन्य खाने के स्रोत हैं जैसे मछली पालन, मछली मारना नदी से, तालाब से। और ये देखिए हमारे गांव की नदी है जो कि बेसो नदी है, कुछ ऐसा दिख रहा है व्यू। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।